नमस्कार दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बृहस्पतिवार व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जितना धनी था उतना ही दान भी करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह किसी को एक चवन्नी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। ये धन लुटता हुआ मैं नहीं देख सकती। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे घर और धन संबंधित सभी चीजों से अवकाश मिल जाए और मैं आराम कर सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कौन दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों पर व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान दे सकूं। तब बृहस्पति देव नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार निकलने के बाद घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर ही धोना। इन सभी कार्यों से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव की ये बात मान ली और ठीक ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप व्यापारी निर्धन हो गया। उसकी पत्नी परलोक से धार गई और घर वापस लौटने पर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। व्यापारी बेहद दुखी हुआ और अपनी पुत्री को लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन व्यापारी एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ से बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। व्यापारी ने साधु की बात सुनी और ठीक वैसा ही किया। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां इस दिन अच्छे दाम में बिक गई और जिससे उसने गुरुवार की व्रत कथा के लिए चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी कई कठिनाइयां दूर होने लगी और हर बृहस्पतिवार को उपवास कर कथा करने से व्यापारी पर बृहस्पति देव की कृपा एक बार फिर से हुई और वह फिर से धनवान बन गया। अर्थात ये व्रत अत्यंत फलदायी है। गुरुवार को व्रत उपवास करके ये कथा पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है और गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों ये थी बृहस्पतिवार व्रत की कथा। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारी प्रार्थना है कि भगवान बृहस्पति देव की सदैव आप पर कृपा बनी रहे। नमस्कार।